आपको एक बही खाता रखना चाहिए। जीवन की स्थितियां अगर नरक जैसी भी हों तो आप हताश नहीं होंगे। आप जो खाते हैं उतना ही महत्वपूर्ण यह है कि आप कैसे खाते हैं। जांच कर देखें कि क्या आप अब भी जीवित हैं। अगर आप जीवित हैं तो बस इतना कीजिए अपने लिए, यह दुख का अंत है। जब दुख का डर नहीं होगा सिर्फ तभी आप इस जीवन के सभी आयाम और गहराइयों को खोजेंगे। बाहर कई चुनौतियां, दुनिया में कई चीजें, कुछ चीजें होंगी, कुछ चीजें नहीं होंगी, कुछ चीजें हमारे लिए काम करेंगी, कुछ हमारे खिलाफ काम करेंगी। ये चीजें हर समय हो रही हैं, लेकिन क्या मैं खुद के फायदे के लिए काम कर रहा हूं या खुद के खिलाफ काम कर रहा हूं? इसके भीतर क्या मेरे जीवन में थोड़ा अधिक उत्साह है? क्या यह थोड़ा बेहतर है, थोड़ा अधिक आनंदित है, थोड़ा और शांतिपूर्ण है? आप बस इसे हर दिन मापते रहिए। तो आपको एक बही खाता रखना चाहिए। हाँ, अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो आप कैसे जानते हैं कि आप प्रगति कर रहे हैं? केवल वही इंसान जो खाता रखता है जानता है कि उसे फायदा हो रहा है या नुकसान, है कि नहीं? Similarly, you must maintain an account. इसी तरह आपको एक खाता बनाए रखना होगा। बस देखिए, मान लीजिए कल आप दिन में 5 बार खुश हुए, आज अगर 6 हो गया तो आप बेहतर हैं, कल अगर 7 हो गया तो आप बेहतर हैं, लेकिन परसों अगर ये 3 हो गया तो आप बदतर हैं। आपने खुशी के कितने पल महसूस किए? मैं खुशी की बात क्यों कर रहा हूं? खुशी हमारा लक्ष्य नहीं है, खुशी एक माप है। खुशी का मतलब है कि आप आराम से हैं। खुशी का मतलब है कि आप एक मानसिक गड़बड़ कम हैं और जीवन ज्यादा है, है कि नहीं? खुशी का मतलब ये नहीं कि आपने कुछ हासिल कर लिया। खुशी का सीधा मतलब है कि जीवन सहज हो गया है, आप खुद को दुखी नहीं कर रहे हैं। 5 मिनट लगातार देखिए, क्या मैं आज कल से बेहतर था? क्या मेरा दिन बेहतर रहा? हर दिन अगर आप हिसाब किताब रखते हैं तो जीवन की स्थितियां अगर नरक जैसी भी हों तो आप हताश नहीं होंगे। यहां मैं आपको ये बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूं कि क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, आप जो चाहें खाएं, लेकिन एक इंसान होने के नाते सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप होशपूर्वक खाएं। आप जो कुछ भी करते हैं वो होशपूर्वक होना चाहिए। आपका भोजन चुनना और भोजन खाना सचेत रूप से होना चाहिए। आप जो खाते हैं उतना ही महत्वपूर्ण ये है कि आप कैसे खाते हैं। जब मैं कहता हूं कि आप इसे कैसे खाते हैं तो ये सभी जीवित पदार्थ हैं। उनमें से हर एक का अपना एक जीवन था, चाहे वो एक पौधा हो, पशु हो, सब्जी हो, उनमें से हर एक का अपना जीवन था। अगर आप खाने के प्रति आभार और श्रद्धा की भावना के साथ भोजन से संपर्क करें, जब मैं श्रद्धा कहता हूं तो ये आपके लिए शायद बहुत अधिक महसूस हो, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर हम आपको एक कमरे में रखें और वहां 5 दिनों तक खाने के लिए कुछ ना हो, अगर ईश्वर आपके सामने प्रकट हो जाए तो आप क्या मांगेंगे? खाना। तो ये इतना महत्वपूर्ण है। आपको समझना चाहिए कि आपकी थाली में भोजन सिर्फ एक पदार्थ नहीं है, ये एक सामग्री नहीं है, ये एक वस्तु नहीं है, इट इज लाइफ, ये जीवन है, ये आपके लिए जीवन बनाने वाली सामग्री है। तो आपको इसे ऐसा ही सम्मान देना चाहिए। फिलहाल जब ये प्लेट पर है, जब ये बाहर है, तो इसका कोई मूल्य नहीं है, लेकिन जिस क्षण आप इसे खाते हैं और ये आपका मांस और रक्त बन जाता है, तब अचानक इसका अपार मूल्य हो जाता है। हम ऐसे क्यों जीते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब ये आपकी प्लेट पर आता है तभी आपको इसे खुद का एक हिस्सा मानना होगा। आपको भोजन बहुत श्रद्धा के साथ करना चाहिए। अगर आप बस भोजन करने का तरीका बदल दें तो भोजन आपके भीतर बहुत अलग तरह से व्यवहार करेगा। जिस मिट्टी पर आप चलते हैं उसमें बुद्धि और स्मृति होती है। तो भले ही आप कंक्रीट की इमारतों में रहते हो, लेकिन धरती से जुड़े रहना जरूरी है।
ऐसे तरीके खोजिए जिनसे आप किसी भी तरह उस मिट्टी या पृथ्वी के संपर्क में बने रहें जिस पर आप रहते हैं, धरती के उस हिस्से से अपने नंगे हाथों और नंगे पैरों के साथ, विशेष रूप से हथेलियों या तलवे, अगर वो कम से कम कुछ मिनटों के लिए रोज धरती के संपर्क में आते हैं। A certain harmonizing of the physiological process will happen. तो शारीरिक प्रक्रिया में तालमेल होगा बस धरती के संपर्क में होने से। अगर आप अपने बगीचे में कम कुछ मिनट बिताते हैं नंगे पैर पौधों या पेड़ों को छूते हैं, क्योंकि यही आपके जीवन का आधार है। जीवन का हर रूप, आप और हर दूसरा प्राणी इस धरती से निकला है। इसके संपर्क में रहें और अपने सिस्टम में तालमेल स्थापित करें। बिस्तर पर लेटने से पहले 2 मिनट के लिए बस अपने बिस्तर पर बैठें। 2 मिनट बस देखें। मान लें कि आप अभी 2 मिनट में मर जाएंगे, तो सोचिए कि मामला कैसा होगा और फिर सो जाइए। जब आप कल जागेंगे तब आप देखेंगे आप ऐसे जागेंगे कि जैसे आप अभी पैदा हुए हों। अगर आप इस जागरूकता के साथ सोते हैं तो आप अपने भीतर ऊर्जा के एक नए आयाम के साथ जागेंगे। मान लीजिए कि आप कल जाग गए। नो, ऐसा नहीं है। आपको लगता है कि ये एक मजाक है, यही समस्या है। हर दिन लगभग 3 लाख लोग कल नहीं उठते। इसलिए अगर आप कल जागते हैं तो जांच करें, जांचें और देखें कि क्या आप अब भी जीवित हैं। अगर आप हैं तो बस इतना कीजिए, मेरी खातिर नहीं अपनी खातिर, एक बड़ी मुस्कान कि आप अब भी जीवित हैं। हेलो, क्या आपका जीवन इस लायक है? देखिए, ये मत सोचिए कि आप हर दिन जागेंगे। एक दिन आप नहीं जागेंगे, आया ना? कल सुबह आप जगे, जांच करें कि क्या आप अब भी जीवित हैं। अगर आप मर चुके हैं तो मैं आपको माफ कर दूंगा, अगर आप जीवित हैं तो एक बड़ी मुस्कान। अगर 3 लाख लोग धरती पर मरते हैं तो शायद 30 से 50 लोगों ने किसी ऐसे व्यक्ति को खो दिया जो उन्हें प्रिय है। तो बस उन 4 या 5 लोगों की जांच करें जो आपके जीवन में आपके लिए मायने रखते हैं, वो सभी अब भी जीवित हैं। एक और मुस्कान। हेलो, और घड़ी देखिए, 7 बज चुके हैं और आप अब भी जीवित हैं। वन मोर स्माइल। हेलो, एक और मुस्कान। अब से आप हर बार जब समय देखते हैं तो आपको ये करना चाहिए, अगर आप जीवित हैं तो आपको मुस्कुराना चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए सबसे बड़ी बात है। ना आपका पैसा, ना आपका पेशा, ना आपका परिवार, आप अभी जीवित हैं, ये जरूरी बात है। बहुत छोटा सा काम है, आइए ऐसा करते हैं। इस धरती पर अच्छे से जीने की आपकी क्षमता मूल रूप से इस पर निर्भर है कि आप कितनी अच्छी तरह इस शरीर और मन का कर सकते हैं, हाँ या ना? अगर आपको इस तरह से इस्तेमाल करना है जैसा आप चाहते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके और शरीर के बीच थोड़ी सी जगह हो, आपके और मन के बीच थोड़ी जगह हो। आपके जीवन में जो भी दुख है, किसी भी तरह का दुख है, वो आपके शरीर या मन के माध्यम से आया है। क्या आप किसी अन्य प्रकार के कष्ट को जानते हैं? शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, सिर्फ केवल 2 चीजें हैं जिन्हें आप जानते हैं, कैसा नहीं है? अगर आपके और शरीर के बीच, आपके और मन के बीच थोड़ी दूरी पैदा हो जाए तो ये दुख का अंत है। जब दुख का कोई डर नहीं होगा, सिर्फ तभी आप इस जीवन की पूर्ण गहराई और आयाम का पता लगाएंगे। तो एक चीज हम ये करना चाहते हैं कि हमेशा क्रिया भेंट कर रहे हैं जो आपके और आपके विचार के बीच, आपके और आपके शरीर के बीच दूरी स्थापित करता है। अगर लोग दिन में 2 मिनट के लिए इसका अनुभव करते हैं तो उनका जीवन बदल जाएगा, निश्चित रूप से, मैं बता रहा हूं। जब वो इसकी आजादी जान लेंगे तो आपको कुछ पसंद नहीं आएगा, आपको कोई भी पेय या दवा या कुछ और पसंद नहीं आएगा, क्योंकि ये उससे बहुत अधिक है, बहुत ज्यादा नशा, जो आपने देखा है उससे कहीं अधिक ऊंचा नशा।
इसलिए नए साल के लिए आप जो संकल्प लें उनमें से एक होना चाहिए, मैं ध्यान करूंगा।